Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको नाइट क्रेविंग होती है और उनको रात में भूख लगती है और फिर समझ नहीं आती कि हम मज़े का चटपटा क्या खाएं। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है उन लोगों के लिए, तो आइए इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कनौर नूडल्स, और ये वैसे तो मैं लेती हूँ रेड चटपटा, लेकिन अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने 3 चिकन फ्लेवर्स ले लिए हैं और 1 चटपटा है मेरे पास। 4 मेरे पास हैं टमाटर, 2 प्याज और 2 अंडे। इन दोनों को मैं कट कर लूँगी और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पैकेट खोल लिया है, इसको मैंने निकाल लिया है। ये मसाले भी मैं यूज़ करूँगी और मैं वेट कर रही हूँ कि इस पानी में बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसको बॉयल करने के लिए। जितनी देर में ये बॉयल होगी उतनी देर में मैं सब्जी काट लूँगी, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च, और अंडा जो है वो मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। स्टीम आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इसको लेंगे आप और साइड में से ऐसे कट करके देखेंगे, अगर आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी तो आप बस इसको निकाल लेंगे। ये सॉफ्ट, देखने में सॉफ्ट लग रही है लेकिन इसमें अभी थोड़ी कसर बाकी है, तो मैं इसको इसी पॉइंट पे निकाल लूँगी। हम डालेंगे ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून, इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये पूरे सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। मैं इसको ऐसे मैश कर लूँगी। ये मैंने चिकन का फ्लेवर और चटपटा निकाल लिया है, थोड़ा सा नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है 1/2 टी। लाल पिसी हुई मिर्च मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने इसमें चिकन नूडल्स लिए हैं। अगर आप लोग चटपटा फ्लेवर ट्राई करेंगे तो उसमें लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, आप लोग 1 डाल सकते हैं, लेकिन 1 डालने पर भी बहुत ज़्यादा मिर्च हो जाएंगी, तो वो पैकेट जो है वो इनफ होता है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग चटपटा फ्लेवर में ही ट्राई करें ताकि इसका फ्लेवर और मज़े का आए। सकते हैं ये अच्छे से मसाला हो गया है टमाटर और प्याज का। अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल करी हैं वो ऐड कर दूँगी। इस टाइम पे बहुत मज़े की खुशबू आती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को पहले से पता थी या कभी आप लोगों ने नूडल्स को इस तरह से ट्राई किया है या नहीं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं इसको ट्राई करती थी अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में और लेट नाइट अपने बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।